कर्नाटक में नई सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त का सिलसिला तेज हो गया है। जेडीएस नेता और सीएम पद के दावेदार एचडी कुमार स्वामी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए प्रति विधायक 100 करोड़ देने का ऑफर कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बहुमत की जुगाड़ के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू। एचडी कुमार स्वामी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही बीजेपी। बीजेपी ने कुमार स्वामी के आरोपों को किया खारिज। राजनीति में कई बार धन बल जन बल पर भारी पड़ जाता है। बहुमत की जुगाड़ करने के लिए राजनीतिक दल पैसे की बोरियां खोल देते हैं, ब्रीफकेस की राजनीति शुरू हो जाती है। कर्नाटक में बीजेपी पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने जेडीएस विधायकों को खरीदने के लिए प्रति विधायक 100 करोड़ रुपए की पेशकश की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायकों को लालच दिया गया कि अगर वो बीजेपी का समर्थन करते हैं तो उन्हें कैबिनेट में भी जगह दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी के पास इतने पैसे कहां से आए और क्या ये काला धन है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों से किए गए 15 लाख रुपए देने के वादे को निभाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन विधायकों को खरीदने के लिए है। उन्होंने जेडीएस विधायकों की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि ऑपरेशन कमल सफल होना तो दूर, बीजेपी के कई विधायक जेडीएस के संपर्क में हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती तक दे डाली कि अगर उनके 10 विधायक तोड़ने की कोशिश की गई, तो वो बीजेपी के 20 विधायक तोड़ लेंगे। कांग्रेस विधायक टीडी राजेगौड़ा ने भी बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश करने का आरोप लगाया। उधर अपनी पार्टी पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई खरीद फरोख्त नहीं की गई, बल्कि कांग्रेस इसके लिए बदनाम है। उनके अपने नेता गठबंधन से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का आंकड़ा न केवल काल्पनिक है, बल्कि ये कांग्रेस जेडीएस की राजनीति का हिस्सा है। 100 करोड़ 200 करोड़ फिगर्स आर नॉट ओनली इमेजिनरी, बट दैट इज व्हाट जेडीएस एंड कांग्रेस डज पॉलिटिक्स थ्रू। वी आर नॉट इन हैबिट ऑफ डूइंग हॉर्स ट्रेडिंग इन एनी काइंड, एंड देयरफॉर वी आर गोइंग बाय रूल बुक एंड वी आर फॉर्मिंग गवर्नमेंट। दैट इज अवर कॉन्फिडेंस। वी हैव ऑलरेडी मेड द गवर्नर, सो वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड अवर क्लेम एंड वी आर वेरी श्योर वील मेक अ गवर्नमेंट एंड अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट। जब भी किसी राज्य में हंग असेंबली आती है, हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है। इसलिए अगर कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो इसमें ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है। मौका पड़ने पर सभी पार्टियां इस तरह का खेल खेलती हैं, लेकिन कई बार सिंपथी हासिल करने के लिए भी नेता दूसरे दलों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।